हार्ड स्टडी हार्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी है। जैसा कि हमने दिन में बात करी थी कि शाम को हम बायोलॉजी के दो या तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसी पहल में आगे बढ़ते हुए मैंने आपके लिए एक बायोलॉजी का दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस के क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर, मतलब मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस यहाँ से मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो देखते हैं डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में सिर्फ शर्करा जो होती है वो सिर्फ राइबोज होती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल 2017 के लिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बायोलॉजी बहुत आती है जी के सेक्शन में। दूसरा, डीएनए में जो आपका बेस होता है वो एडनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। और डीएनए आपका मेन केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए आपका केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए सिर्फ आपका केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ठीक। ये तो हमारा डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस हो गया। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप एवं जंतु कोशिका में मेन डिफरेंस क्या है। अब देखिए बच्चों, पादप कोशिका जो होती है वो कोशिका भित्ति में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, ठीक है। पादप कोशिका में तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, वो उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है, ठीक है। आपका पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका में आपका तारक काय होता है, ठीक है। पादप कोशिका की जो रिक्तिका होती है वो काफी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की जो रिक्तिका होती है वो काफी छोटी होती है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये दो डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है और पादप एवं जंतु कोशिका में मेन डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपके सजेशंस, आपके सुझाव, ताकि उस पर आगे वीडियोस बन सकें। और स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस यहाँ से मिलते रहें। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट और ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।